ये देखो भाई नगद में 70 रुपए का धनिया, एक महीने का मेहनत सत्तर। अदरक कितने रुपए भैया? 60 रुपए किलो भी है, 2 किलो 110 भी, 2 किलो 110 भी। आलू गोभी भाटा वाले 30 हो गया, 30 हो गया मेरे भाई। लाइक सब्सक्राइब। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? वापस से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी बज रहे सुबह के 9 और फिलहाल अपना मार्केट जाने का टाइम हो गया है। मैंने उठ के नाश्ता भी कर लिया है आज बहुत जल्दी। और यार कल तो मार्केट में गया नहीं था, घर के कामों में व्यस्त था और इसलिए कल का ब्लॉग नहीं कर पाया। रुक नगा बाबू, देखो भाई साहब नाना क्या क्या ठोक रहे हैं। क्या कर रहे हो ये भाई? कहाँ जा रहे हो नाना? खेती खेती कमाना है। नाना भी अपने काम पे जा रहे हैं। बाबू घर में रहने से हाथ पैर दर्द करता है? घर में रहने से हाथ पैर दर्द करता है? है ना, इधर उधर घूमते रहते ना, और काम थोड़ा बहुत करना चाहिए तो अच्छा रहता है, तंदुरुस्त रहता है, इसीलिए आप रोज काम करते हो। हाँ। इसीलिए भाई साहब नाना जो है काम करते हैं और हेल्दी रहते हैं। तो भाई साहब हेल्दी रहने के लिए आप भी अपने कामों में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि भाई साहब खाली बैठने से ना बहुत सारा दिमाग में टेंशन आ जाता है, उससे अच्छा है खाली मत बैठिए यार। कुछ भी हो काम कीजिए यार, क्योंकि काम काम होता है। और कल मैं मार्केट नहीं गया था तो कल व्लॉग नहीं कर पाया था, क्योंकि घर का कुछ और काम कर रहा था जो कि मेरे को दिखाने लायक वैल्यूबल नहीं लगा यार, इसलिए आप लोग को नहीं किया कल का व्लॉग जो है मैं। और अभी फ़िलहाल देखते हैं भाई मार्केट जाके क्या क्या सब्जी आई है, क्या क्या रेट है, क्योंकि मार्केट में डेली सब्जियों का प्राइस जो है ना अप्स एंड डाउन्स हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो देखो मेरा बैग भी रेडी है और गाड़ी भी रेडी है, तो चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं सीधा तखतपुर सब्जी मंडी के लिए। भाई साहब फाइनली पहुंच चुके हैं पेट्रोल टंकी में। देखो गणपत भाई मिल गया मेरे को। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भैया, सब बने बने? सब बने बने। चलो फिलहाल पेट्रोल डलवाते हैं भाई साहब, काफी भीड़ है। देखो आगे बढ़ते हैं भाई, आज मेरे पास सिर्फ 100 रुपए ही है तो 100 रुपए के ही डलवाऊंगा भैया। 100 रुपए के हैं? 103 रुपए के। 103 रुपए का डलवाएगा चिल्लर रखे? ये देखो भाई साहब 103 रुपए का पेट्रोल। चलो मैं 100 का डलवाता हूँ। फाइनली पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी तखतपुर में और आज बहुत जल्दी आया है। देखो पूरा खाली है, सामान नहीं आया है, पूरा खाली खाली दिख रहा है। अभी बहुत सारा सामान आना बाकी है, तो चलो फिलहाल चलते हैं अभी किसान मार्केट की तरफ, क्या क्या सब्जी आया है। तो गाइस देख सकते हैं इधर पूरा अपना फार्मर्स मार्केट, काफ़ी भीड़ लगा हुआ है भाई। ये देखो सब्जियों का, ये देखो भाई गोभी वगैरह दिख रहा है, पूरा गोभी बंधा कायर गोभी का बेचा के का बिक गए नहीं बचे हैं, बिक गया है गोभी भाई साहब। 17 रुपये बोल रहे हैं? 17 रुपये। देखो मार्केट ना काफ़ी भीड़ है यार, एकदम से पूरा फुल सब्जी आया हुआ है भैया। देखो अभी भी आ ही रहा है किसान लोग का सब्जी, गोभी भी है बिक रहा है। चलो उधर चलते भाई, धनिया वगैरह लेना है। देखो धनिया खरीद लिया है आनंद भाई साहब का, कितना लाया था धनिया? 300 लाया। कितने में दिया भाई? 140 में दिया। 140 रुपए सैकड़ा भाई साहब। धनिया जो है तो 50 में मैंने खरीदा है, मतलब कि 70 रुपए का। चलो पैसा दे दे रहा हूँ भाई को यार। ये देखो भाई नगद में 70 रुपए का धनिया, एक महीने का मेहनत भाई। 70 रुपए और बहुत सारा दौड़ बेचे ना धनिया। ये देखो 120 रुपए का बेचा हूँ यार। आते 60 धनिया ही खरीदा भाई सबसे पहले मैंने। देखो काफी अच्छा क्वालिटी है, खुशबू आ रहा है, लगता है सेंट डाल के लाए आनंद भाई, इसमें अलग से स्प्रे करके लेके आए धनिया है। अब अभी तो मेरा सब्जी लेना है यार, शुरुआत है। चलो अपन सब्जी और खरीदते हैं भाई साहब। यही पास जो है धनिया भी खरीद लिया और ये बंधा भी खरीद लिया भैया जी का। देखो बंधे का साइज 6 रुपए का बंधा है, कि 10 में बिक जाना चाहिए, बिक जाएगा आसानी से। तो गणपत भैया चले अब उधर, और कुछ नहीं भाई। अभी मैं आया हूँ धनिया मिर्ची अदरक लेने के लिए, सब्जियाँ तो हो गया है। देखो इधर अदरक कितने रुपए भैया? 60 रुपए किलो भी है, 2 किलो 110 भी। 2 किलो 110। देखो 2 किलो अदरक ले लिया भैया जी से। और मिर्ची भैया? मिर्ची 40 रुपए किलो। कुछ कम होगा? 35 ऐसा 35 लगेगा बोल रहा है, तो ले लेते हैं मिर्ची जो है। मिर्ची खरीद, मिर्ची दे दो भैया।
भैया मिर्ची दे दें 10 किलो। धनिया मिर्ची खरीदने के बाद मैं आया था टमाटर खरीदने और बहुत सारा सामान लिया और लेके बाकी जो सामान है ना उसको ऑटो में डाल दिया किराया करके बुक करके। तो ऑटो जो फिलहाल चला गया भाई और अभी जो बाकी सामान है उसको बाइक से लेके जा रहा हूँ। देख सकते हैं टमाटर है और धनिया मिर्ची अदरक और गणपत भैया का। तो चलो फिलहाल निकलते भाई यहाँ से अब घर। तो भाई फाइनली अभी मैं घर पहुँच चुका, देखो सामान को ले आया है। तो नाना भी आ गए भाई साहब खेत से, जिस टाइम मैं निकला था मार्केट जाने के लिए उस टाइम वो भी निकले थे घर से, और जिस टाइम मैं मार्केट से आया उसी टाइम वो भी घर पहुँचा, सेम टाइम पे देखो दोनों। तो चलो फिलहाल जो सामान है ना उसको उतार के रख ले रहा हूँ यहाँ पर। तो गाइस अभी मैं आया हुआ था घर में सामान को रखने के बाद नहाने के लिए खेतों की तरफ। फिलहाल अभी मैंने नहा लिया है, देख सकते हो कपड़ा, बहुत दिन बाद नया टी शर्ट पहना भाई। और इधर देखो अपना डब्लू बैठे हुए सामने। तो चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं अब घर, और घर जाके खाना वगैरह खाना, भाई भूख लग गया है मेरे को। तो गाइस अभी बज रहे 3 और अपने मार्केट जाने का टाइम हो गया है यार। मैं वहाँ से आने के बाद ना अपने खेत से नहा के आया, फिर खाना वगैरह खा के ना सोया हुआ था, फिर अभी उठा और फिलहाल अब सामान जो है ना इसको पैक करना है गाड़ी पे वापस से। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली पूरा गाड़ी रेडी है, पिकअप कर लिया है। 4 कैरेट टमाटर है नीचे और बाकी आइटम जो क्या के लिए है वो तो चला गया है मार्केट। तो वही आप लोग को देखने को मिलेगा कि क्या क्या आइटम न्यू है और क्वालिटी क्या क्या है। तो चलो देखते हैं भाई आज मार्केट में क्या प्राइस में बिकता है सब्जियाँ। निकलते फिलहाल यहाँ से मार्केट के लिए, चलो। तो गाइस फाइनली मैं अपने घर से पहुँच चुका मार्केट, जहाँ का आज वीकली मार्केट रखना है। ये गांव है नाम इसका ढंढन, ढंढन का मार्केट है। और सबसे पहले मार्केट में ही पहुँचा हूँ भाई, पूरा मार्केट जो है ना खाली है। तो चलो वेट कर रहा हूँ किसी पब्लिक के आने का, ताकि कोई आए गाड़ी को पकड़े, फिर जो सामान है अपना ना उसको गाड़ी से मैं उतार सकूँ नीचे। देखते हैं कब तक कोई आ पाता है भाई लोग में से यार। तो भाई साहब नवीन भाई की सहायता से पूरा सामान देखो उतार लिए, धन्यवाद भैया, ऐसी मदद किया कीजिए बाजार में यार, आपको पुण्य मिलेगा। इनको ना 1 पाव टमाटर एक्स्ट्रा दूंगा मैं, आप आना दुकान में उस टाइम। आऊंगा भाई, मेरे सामने शॉप है, दिखा। ये देखो सामने जो है शॉप है भाई का, फ्री प्रमोशन हो रहा है दुकान का। और अभी तो मार्केट में सिर्फ मैं ही आया हूँ यार, अभी तक कोई बंदे नहीं आए अपने। देखो पूरा खाली है, और वहाँ सामने देख रहे हो ना इनके दुकान के सामने ही हम लोगों ने सामान को उतारा है, जिस ऑटो में भिजवाया था वहाँ। बहुत सारा जगह इनका घेर रखा है, तकलीफ तो नहीं है भाई कोई? नहीं है भाई, नहीं है ना, आपकी लोगों के सेवा के लिए है यार। एक नंबर आदमी है भाई नवीन भाई, मार्केट कर दिया है। आओ ये देखो अपने सब्सक्राइबर आ गए हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये देखे देखो कैसा लग रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है, सब खुश है, ये देखिए बहुत कांटा चुपता है। इतने सारे छोटे छोटे अपने सब्सक्राइबर पूरे सब ना ढंढन गांव के, सब लोग देखते हैं, लाइक करते हो, ले तो जोर से बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो भाई साहब फाइनली दुकान लगा लिए है, और बहुत टाइम लग गया थोड़ा सा। आज देखो मार्केट ना कम सामान आया हुआ है, पूरा बहुत सारे व्यापारी सब्जी बेचने वाले आज मार्केट में आए नहीं है। ये देख सकते हो भाई, ये देख पूरा खाली खाली दिख रहा है भाई, बहुत सारे व्यापारी लोग आज नहीं आए हैं। लग रहा है सब्जियां जो है आज थोड़ा सा महंगा रहेगा मार्केट में, और निकल जाएगा। अब देखते हैं कैसा रहता है। वैसे देखो मैं क्या क्या सब्जी लेके आया हूँ आप लोग दिखाता हूँ। फिलहाल अपने कस्टमर आ गए भाई नाना जी, को टमाटर ले रहे हैं। क्या किलो टमाटर दादा? 3 किलो। देखो 3 किलो को टमाटर दे रहा हूँ मैं 20 रुपये का। आओ चाहो आओ आओ दे आओ आओ। और सब्जी एक बात करें भाई साहब, मेरे पास है आज आलू, बैंगन, मटर, टमाटर, सेमी, फूल गोभी और बंधा, और मिर्ची, धनिया, मेथी, अदरक, और ये वाला फल वाला धनिया। इतना सारा सामान है। और रेट की बात करें भाई साहब, तो आलू है 20, भांटा है 15, मटर भाई साहब 40, और टमाटर है भाई 20 का 3, सेमी बेच रहे 30 रुपये, गोभी है 30, बंधा है 10। ये रेट में काफ़ी सस्ता है, उतना भी महंगा नहीं बेच रहे भाई, कॉम्पिटिशन कम है। फिर भी देखते हैं कैसा रहता है मार्केट। आओ दे आओ दे। हाँ भैया मटर ले जाना, सस्ता यार, 40 रुपये मात्र, एक नंबर मटर है भैया, दे दो। अरे ले लेने यार, मत दो बोल रहे यार भैया जो है 40 में। हाँ भैया गोभी 30 रुपये किलो, 30 गोभी 30। आगे 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 आगे, 30 हो गया, 30 हो गया मेरे भाई। देखते यार
30 में बेचते हैं गोभी को, अपन 40 नहीं बेचते, अपन 30 में बेचेंगे भाई, 40 नहीं बेचेंगे, अपन सस्ता बेचेंगे भाई साहब। दे दोगे भैया आलू गोभी भाटा वाले? बंदा 10 कोई से भी ले, बंदा 10। आलू गोभी भाटा वाले आगे आगे हो के सस्ता खत्म करो। सब सस्ता है, मटर 40 है, टमाटर कैसे? टमाटर 20 के 2.5 किलो। कम हियर आनंद, मटर 40, आलू 20। तो भाई साहब अभी बज गए हैं शाम के 6:30, और यार इतने सारे कस्टमर एक साथ आए ना कि हालत खराब हो गया मेरा, मैं तौल नहीं पा रहा था सामान को, बहुत सारा है। देखो इतना सामान जो है थोड़ा थोड़ा बच गया है, लेकिन बहुत सारा सामान निकल गया भाई, तब एक साथ बहुत सारे कस्टमर आए ना कि हालत ही खराब हो गया भाई। उस टाइम पूरा गला सूख गया था मेरा, अचानक से यार तौल नहीं पाया, इस वजह से इतना सामान बचा नहीं, तो ये भी बिक जा रहा था भाई, इतना भी नहीं बचा रहता। चलो फिलहाल सभी सामान को उठाते हैं अपना। तो भाई साहब अभी बज रहे हैं 7:00 और पूरा सामान को उठा लिया है जो बचा हुआ था उसको, और देखो गाड़ी को पैक कर लिया है, पूरा रेडी है भाई साहब। अभी फिलहाल यहाँ से निकलने वाले हैं घर, तो चले भाई, चलो 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 गणपत भैया। तो चलो भाई साहब निकलते हैं यहाँ से घर। तो गाइस फाइनली मार्केट से पहुँच चुके घर, और देखो सामान जो बचा हुआ है ना, ये इतना सारा सामान है, ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत कम बचा है, सुबह बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर देख सकते हो खाना पीना चल रहा है। बाबू का साग बने हैं आज? अरे गुपचुप बने हैं यार, ये का कहते हैं डुबक्का, डुबकी। आज देखो भाई सब कढ़ी बना है घर में अपने, देखो खा रहे हैं नाना और नानी उधर दोनों जने। चलो फिर अब मैं चलता हूँ भाई साहब अपना हाथ पैर धोने, और मैं भी खाऊंगा खाना। और यार आज तो मार्केट बढ़िया था, क्योंकि बहुत कम कंपटीशन था, कम लोग गए थे, तो सब्जी जो है अच्छे रेट में बिका और मस्त बिका, भले ही थोड़ा बहुत बचा है उसका टेंशन नहीं है, सुबह बिक जाएगा भाई, मजा आया सेल करने में, बहुत अच्छा लगा आज का डे, बहुत बढ़िया था मेरे लिए। और गाइस इसी के साथ में आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कैसा लगा उसको कमेंट जरूर करना, इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, मिलते फिर एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़, बाय बाय। कौन धनिया हारेगा कति गया आनंद भैया, कहाँ है दे दियो ना, ये लो इसमें दो भाई।